हेलो दोस्तों, ममता आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टुलिप पैंट की कटिंग सिखाने वाला हूं, तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर आपको दो नाप की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हमारा कमर का नाप होता है, जिससे हम इलास्टिक डालते हैं। तो कटिंग हमारी दो नाप से हो जाएगी, जिसकी लेंथ है इस टुलिप पैंट की 35, हिप 36। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको कटिंग करना बताएंगे। और यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है 2.5 मीटर। और ये आप देखेंगे, ये ओपन वाली साइड आपकी इस तरीके से रहेगी, पूरा कपड़ा आपका इस तरीके से ओपन है, देखिए। और इसको हम ज़मीन पे बिछा लेते हैं इसे इस तरीके से, क्योंकि ज़मीन पे ही कटिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा खुली होती है। तो हम इसे ज़मीन पे या कोई बड़ा काउंटर हो उस पे इजी कटिंग आप इसे कर सकते हो। अब ये करने के बाद देखो क्या करना है, ये जो किनारी वाली साइड है, जो दूसरी तरफ किनारी वाली साइड है, आपको यहाँ से इस तरीके से उठाना है। वो किनारी वाला इसे नीचे की तरफ रहेगा और इसको ऐसे करना है। ये दोस्तों ऐसे करना होगा जैसे हम पजामी बिछाते हैं, लेकिन पजामी में हम ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम उस तरफ रखते हैं, लेकिन इसे हम सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। तो देखिए, हम इसे ऐसे हम रख लेते हैं, ये देखिए ऐसे अच्छी तरीके से हम इसे बिछा लेंगे। अब आप देखेंगे कि पजामी के अंदर जो चूड़ीदार पजामी होती है उसके अंदर दोस्तों ये हिस्सा हमारा इस साइड में आता है और ये वाला साइड हमारा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा उल्टा करते हैं। और याद रखें, किनारी वाली साइड आपकी नीचे की तरफ रहेगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो दोस्तों काम होगा, वो काम होगा हमारा कि हम इसे सीधा करेंगे। तो सीधे फुट्टी की मदद से आपको ऐसे रखना है और एक निशान लगाना ऊपर तक, बिल्कुल सीधा निशान। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सीधा निशान बिल्कुल लगा लिया है। और सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको हल्की सी गोलाई देनी है, ठीक है। ये वाली साइड में बिल्कुल मामूली सी गोलाई आएगी, हल्की सी, वो कटिंग में आपको पता चल जाएगा। तो अब जैसे कि जो हमारी टुलिप पैंट की लेंथ थी वो थी 35 इंच। तो दोस्तों 35 में हम प्लस करते हैं 4 इंच, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बनती है। अब यहाँ पर हम 35 में प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो आपको इंची टेप ऐसे रखना है 1 इंच का, और यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद सीधे में हम जब इसे नापेंगे तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई आएगी 39, ठीक है, थोड़ा ओरेप भी होता है ये, तो 39 पे हम इसे निशान इस तरीके से लगा लेंगे। और फिर इसको ऐसे ही रखते हुए इंची टेप को ऐसे ऐसे घुमाना है और 39 पे आपको निशान ऐसे ऐसे लगाते हुए जाना है, बिल्कुल सेम इस तरीके से। देखिए, इंची टेप को 1 इंच ऊपर करने के बाद ही ये 39 पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारा बाकी लास्टिक में एडजस्ट हो जाएगा नाप, ठीक है। जो 1 इंच हमने ऊपर ऐसे उठाया है तो ये हमारा लास्टिक में एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम करेंगे इसे कटिंग। तो ध्यान से देखें, ये जो मैंने निशान लगाया है, मैं इसे गोलाई में पहले अच्छी तरीके से कर दूँ जिससे कि आप अच्छा देख पाएँ। ये निशान लग चुका है पूरा, इसे दोस्तों गोलाई में हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने का दोस्तों, ये जो कपड़ा बचा है आपका, इसके अंदर हम जो बेल्ट वगैरह निकालेंगे, बचा हुआ कपड़ा है ये, आप सवा 2 मीटर 2 मीटर में भी बना सकते हो। कपड़ा ज़्यादा इसलिए लिया जाता है ताकि लेंथ आपकी इजी निकल जाए। अब दोस्तों, आपका जो ये वाला हिस्सा बचा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, पास से मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको हल्की सी ऐसे गोलाई देनी है, ये जो निशान है ना, इसको इस तरीके से गोलाई देनी है हल्की सी। और ये हल्की सी गोलाई देने के बाद इसे ऊपर तक सेम इसी तरीके से दोस्तों कटिंग हम करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे भी हटा देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा कपड़ा कट गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले पल्ले हैं, याद रखें जो ऊपर वाले पल्ले हैं, तो ऊपर वाले दो पल्ले पकड़ने हमें, ठीक है। और इस जगह पर इतना ऐसे रखना है हाथ, और ऐसे रखने के बाद इसको यहाँ पर थोड़ा सा निकाल लेंगे, तकरीबन 2-2.5 इंच के आसपास आपको इस तरीके से निकाल लेना है इसे, ठीक है। और निकालने के बाद ये जो साइड आपका होगा, तो जैसे आपकी हिप थी यहाँ पर 36 इंच बॉडी मेजरमेंट, इसको आपको भाग करना है 3 जगह, तो 12 12 आएगा आपका, 12 12 2 24, 12 36। तो आपको इंची टेप ऐसे रखना है 1 इंच उठा के, और 12 इंच पे ये निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे तकरीबन आपको यहाँ पे रखना है 2 इंच, और इस निशान को इस तरीके से आपको ऐसे लेते हुए जाना है। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको क्रॉस में करने के बाद, अब यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे कटिंग। तो ये आपका दोस्तों आसन कट हो चुका है,
ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आसन कटिंग करने के बाद मैंने काउंटर पे बिछा दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो आसन कटिंग जब आप कर लेंगे तो अपने हिप का तीसरा भाग आपको आसन कटिंग करना है, ठीक है। एक इंच इंची टेप को इस तरीके से लेके, क्योंकि एक इंच ऊपर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लास्टिक के लिए पट्टी जो लगाएंगे वो एडजस्ट हो जाएगी लंबाई आपकी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ से भी लंबाई एक इंच इस तरीके से रखने के बाद ही आपके नापी गई थी। अब दोस्तों ये आपका आसन जो है पूरा का पूरा ओरेब होता है तो ईजी बैठ जाएगा, जो आपका हिप का तीसरा भाग निकलेगा। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से लपेट देते हैं और इसे आप देख लेना, क्योंकि स्टिचिंग वाली वीडियो में आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आप स्टिचिंग करना भी सीख जाओगे। इसे हम लपेट देते हैं और लपेटने के बाद दोस्तों इसके अंदर हिप कितनी है, 36 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना आपको बताते हैं कि बेल्ट के लिए कपड़ा कैसे निकालेंगे। तो 36 आपकी हिप है तो यहाँ पर ये कपड़ा हमारा बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, यानी कि बिना जोड़ का ये कपड़ा आ जाएगा। इसको हम एक बराबर ऐसे बिछा लेते हैं, किनारी वाली साइड है, चाहे तो आप किनारी निकाल के फेंक भी सकते हो, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव होने के कारण उसमें फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन ये बिल्कुल ओके है तो हम इसे यूज़ में लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 36 में दोस्तों आपको प्लस कर देना है 8 इंच, तकरीबन ये आपका हो जाएगा 36 + 8, ये आपका हो जाएगा 44 होगा। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लंबाई लेनी है 44, और 44 का हाफ, ठीक है, 22 हो जाएगा। तो 22.5 में हमें ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, टोटल में आपका 44 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 इंच का निशान ऐसे ऐसे लगाना है जिसमें हमारी इलास्टिक आ जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके 4 इंच का निशान लगाओ। और अब ये दोस्तों हम कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी बेल्ट पूरी कटिंग समझ लो हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी ये बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब ये किस तरीके से स्टिचिंग होगी तो ये स्टिचिंग वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग की होगी और इसमें आप बहुत आसानी से स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग टुलिप पैंट की अलग अलग तरीके की होती है, ये अभी हमने आपको एक अलग तरीके से दिखाई है। आने वाली वीडियो के अंदर आपको अलग अलग तरीके से जो है टुलिप पैंट की कटिंग दिखाई जाएगी और स्टिचिंग का तरीका भी बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।